दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास हर तरह की वीडियोस आती रहेगी और साथ में दोस्तों अगर आप रिपेयर या डीलर हो कांटे के तो ऑल ओवर इंडिया में अपने कॉन्टैक्ट्स जरूर व्हाट्सअप करें ताकि हमारे पास जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज़ और स्टेट वाइज इंक्वायरी आती है हम आपको फॉरवर्ड कर सकें थैंक यू दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है कुछ दोस्त बार बार व्हाट्सअप करते हैं क्योंकि एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर हमने बजन ना भी रखा हो तो कांटा कुछ बजन डिस्प्ले दिखाता रहता है या फिर ऐसे रनिंग करता रहता है मैं जो रीज़न है वो हम डिस्कस करते हैं लेकिन दोस्तों इस जो कांटा बिना बजन रखे रनिंग करता रहता है तो उसके मैं आपको रीज़न बताता हूँ सबसे पहला रीज़न है नॉर्मली हमें कांटे को बिजली पे लगा कर रखना चाहिए और इस पर इंडिकेटर लगा होता है कांटे पे तो जैसे ही हम बिजली पे लगाते हैं तो इसका इंडिकेटर जो है ऑन हो जाता है और अगर ऑन बिजली पे है फिर ये रनिंग नहीं कर रहा है और जैसे ही आप प्लग बंद कर देते हो बिजली का और ये बैटरी पर जैसे ही कांटा चलता है तो यहाँ रनिंग करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है खाली हो चुकी है जिसकी वजह से कांटा भाग रहा है वजन बिना रखे हुए तो ये है पहला कारण ये उस केस में है जब बैटरी लो हो जाए अब सेकंड रीज़न की बात करते हैं अगर आपका कांटा बैटरी पर भी भाग रहा है और बिजली की सप्लाई पर भी भाग रहा है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है उसकी रीडिंग बिना वजन रखे तो सेकंड रीज़न होता है इसके अंदर जो सेंसर लगा होता है जिसपे हम वजन रखते हैं और रीडिंग आती है अगर उसकी तार खुल जाए उसको हम लोड सेल कहते हैं या फिर उसका जो कैपेसिटी है वो कम हो जाए लाइफ ख़त्म हो जाए वो डैमेज हो जाए जा चूहे उसको कुतर दें उस केस में भी कांटा कंटिन्यूसली बिना बजे रखे भागता रहता है उसकी रीडिंग स्टेबल नहीं होती है दोस्तों दो रीज़न हो गए अब तीसरे रीजन की बात बताता हूँ तीसरा रीज़न है कि जैसे बरसातों में या फिर सर्दियों में कुछ मॉइस्चर इसके अंदर चला जाता है और उसकी वजह से जो कार्ड है वो थोड़ा बेट हो जाता है तो उस केस में भी रीडिंग जो है चेंज होती रहती है तो तीसरा कारण ये है उस केस में सोल्यूशन है कि आप जो है थोड़ा चेर उसको धूप में रखें कांटे को तो वो सही हो जाता है अब तीसरे के बाद चौथा रीज़न है कई बार क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे टच कर जाता है सरफेस को तो वो भी एक रीज़न होता है कांटे की रीडिंग दस बीस तीस ग्राम आती रहती है और उसकी वजह से जो रीडिंग है वो स्टेबल नहीं हो पाती है कांटा रनिंग करता रहता है इसके अलावा इसके अलावा कई बार गर्मियों में पंखे चले होते हैं तो पंखे की वजह से जो हवा इसके ऊपर बचती है उसके कारण भी दस बीस ग्राम दस बीस ग्राम कांटा रीडिंग शो करता रहता है वो एक नेचुरल है उसमें कांटे का कोई डिफेक्ट नहीं है अब लास्ट रीज़न की बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर जो मेन मदरबोर्ड होता है अगर बोर्ड डिफेक्टेड हो जाए उसके अंदर कोई पार्ट्स कई बार डिफेक्टेड हो जाता है ज़्यादा बिजली आने की वजह से डिफेक्टेड हो जाता है तो उस केस में भी कांटा जो है यहाँ रनिंग करता रहता है और कांटे का सल्यूशन ये है कि आप रिपेयर के पास जाओ जिससे आपने कांटा लिया है उसको प्रॉपर आप दिखाओ उससे बात करो ना कि खुद खोल के ठीक करने की कोशिश करो अगर छोटा कोई प्रॉब्लम होगी अगर आप खुद खोलने की कोशिश करोगे तो फिर वो कांटे में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है सबसे बढ़िया तरीका है किसी को भी जो अथोराइज रिपेयर है उसको आप कांटेक्ट करें या नया कांटा आप लें तो उसका नंबर लें कि अगर कल को दिक्कत आती है तो हम आपको कैसे कांटेक्ट करें तो उस वक्त आप रिपेयर की मदद लें वो आपको सही तरीके से गाइड करेगा आप